उत्कल प्रदेश की इस महान भूमि पर मैं महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं गुजरात से आता हूं, जगन्नाथ जी यहां विराजते हैं, मगर मैं उत्कल प्रदेश के वासियों को बताना चाहता हूं कि आपके मन में जितनी जगन्नाथ के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, इतनी ही भक्ति गुजरात की जनता के मन में महाप्रभु के। हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, रथ यात्रा भी निकलती है और कई सालों से निकलती है, और इसका इतना ही सम्मान रथ यात्रा का हमारी भूमि पर भी है। तो सभी उड़िया वासियों को मैं फिर से जय जगन्नाथ कहता हूं। मैं आज यहां आया हूं तब स्वाभाविक रूप से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भी स्मरण आना स्वाभाविक है, क्योंकि यही महान भूमि से राष्ट्रपति बनने का गौरव भारतीय जनता और एनडीए ने दिया है। आज यहां पर मैं 5 अगस्त को आया हूं, उस वक्त आज भारत रत्न गोपीनाथ जी का पुण्यतिथि है। गोपीनाथ जी ने असम और नॉर्थ ईस्ट विभाजन के समय भारत के अंदर बने रहे इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और वो महान देशभक्त के कारण आज पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना है। हम सब गोपीनाथ बरदोलाई जी को श्रद्धांजलि देते हैं। आज देश के महान शिक्षाविद, समाज सेवी, उड़ीसा के ही आचार्य प्यारे मोहन जी का भी जन्मदिन है। मैं आज के दिन प्यारे मोहन जी को भी बहुत सम्मान के साथ याद करना चाहता हूं। और मित्रों, आज 5 अगस्त भी है। 5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का काम, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेनस्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर समग्र देशवासी और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं।